खूब बहुत खूब। और सहरी का दस्तरखान इस वक्त सच चुका है और हमने सहरी कर भी लिए, और ये बड़ा एक अहम वक्त होता है। मैं हर दफ़ा ये बात इस वजह से कहता हूँ कि इस वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें और मुंह से अच्छे अल्फाज निकालें, अल्फाज अच्छे निकालने चाहिए। कौन सा वक्त? कबूलियत का वक्त हो। शाकरा ने जी बड़ी अच्छी डिश बनाई थी जो हम सब खा चुके हैं, लेकिन अपने मेहमानों से पूछूंगा और खवातीन आज हमारी गेस्ट हैं तो ज्यादा बेहतर बताएंगी। पहले आप बताएं मिस्टर शाह, सईदा कोई नमक तेज ऊपर नीचे? बेहतरीन बेहतरीन, खाने से पहले खुशबू नहीं बता दिया था कि बेहतरीन है। ठीक है, उसमें आप बताएं कि कैसी इन्होंने बनाई है विंगा लेडी, आपको लग रहा है कि कोई इसमें फ्लॉ था? कोई नहीं, नहीं कोई फ्लॉ नहीं था, खुशबू भी थी, जायका भी था, दोनों चीजें थी। क्या बात है। अच्छा शाकिर, ये हुआ है कभी जिंदगी में कि बनाया हो और कोई खानदान में एक होता है ना, ज्यादा घर में होता है कोई कि वो लुक्स निकालेगा, कोई है आपकी फैमिली में? हाँ, मेरे हस्बैंड है ना। अल्लाह सुमत, एक यू हस्बैंड का प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों पसंद नहीं आता कि भाई? नहीं पसंद आता है लेकिन बताना जरूरी होता है, इसमें तुमने ऐसे नहीं ऐसे कर लेती तो और अच्छा होता। इतने प्रोफेशनल शेफ बन जाएंगे जब ये बोल दो अंडा तल दो तो उसमें हाथ जला कर आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये होता है घर में कोई ना कोई और खानदान में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जो आपको जरूर पॉइंट करता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करते। मिसाल होती है ना घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन भाई इनके हस्बैंड क्या नाम है आपके हस्बैंड का? फरहान साहब, अगर आप सुन रहे हैं हमें तो बड़ा पसंद आ रहा है, अब आपको क्यों नहीं पसंद आ रहा है अल्लाह जाने, लेकिन बहरहाल बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। अच्छा मुफ्ती साहब, हम ब्रेक से पहले भी एक बात कर रहे थे कि जो मैंने पहले पूछा था कि अगर हाथ से रोकना और उसके अलावा, अच्छा एक चीज़ ये होती है हमारे यहाँ कि अगर हमारे कुछ बॉसेस हैं और वो कुछ गलत कर रहे हैं किसी के साथ, उस सूरत हाल में क्या करा जाए? क्या हम अपने बॉस की इसलाह कर सकते हैं? पता चला इसलाह करने का नौकरी खत्म हो गई, ऐसी सूरत हाल में क्या करें? दिल में बुरा मानते रहे? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ज़राए होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने, मैंने आपको पहले भी वाज़ेह किया था कि अगर एक कोई बा किरदार कह लें कि ये असर रसूख रखने वाला शख्स है और वो जुल्म कर रहा है और आप समझते हैं कि यार, और आप उसके मातहत हैं और अगर आप समझते हैं कि अगर मैं ये बात कहूंगा ऐसा ना हो कि मेरा भी जो यहाँ काम चल रहा है ये भी बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो बात सुने, सबसे पहली बात तवक्कल अल्लाह, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। बेशक। और आप जब ये तवक्कल कर लेंगे ना कि ये बंदा नहीं खिला रहा, रब खिला रहा है और जो बात आप कर रहे हैं वो हक कर रहे हैं, तो आप यकीन माने वो बॉस क्या उनका भी बॉस होगा, कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, पहली बात मुफ्ती साहब, ये बात अच्छा, आपकी ठीक है, लेकिन अगर हम इस चीज की तरफ जाएं कि ये भी हुक्म है कि जो आपके बॉस हैं उनकी बात आप माने, कहते हैं बॉस ऑलवेज राइट, ऐसी सूरत हाल में तो फिर अगर हम तनकीद करने लगेंगे या इस्लाह करने के लिए जाएंगे तो बोलेंगे तुम तो इतने बड़े हो गए, यहाँ तो इतनी नौकरियां चली जाएंगी। अच्छा दो बातें इस पर, दो बातें, आप ये देखें कि आया वो आपके इनफरादी नफ्स के लिए बुरा है या आपकी कंपनी के लिए वो चीज बेहतर नहीं है। अगर वो आपकी कंपनी के लिए या जमात के लिए जहां आप काम करें उनके लिए बेहतर नहीं है तो उस बात पर आप डटर हैं, लेकिन अगर आपकी जात के लिए वो हो सकता है आपको वो चीज आपके लिए बुरी लग रही हो लेकिन औरों के लिए बेहतर हो, और जो जिस सीट पे बंदा बैठा है वो कहते हैं वो वर्ल्ड वाइड देख रहा है, मिसाल के तौर पर वो वसी तौर पर देख रहा है, आप निजी तौर पर देख रहे हैं कि यार ये मेरी जात के लिए बेहतर नहीं है, तो मैं तो समझता हूँ इनकी इसलाह करनी चाहिए। हमारे अंदर यही खामी है, हम जिस माशरे में रहते हैं ना तो माशरे की इसलाह से करते हैं, पहले अपनी इसलाह नहीं करते, पहले माशरे को देखते हैं कि यार ये हमारे पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, यार हमारे रिश्तेदार ने क्या किया, भाई तू अपने घर में तो देखो कि तुमने घर में क्या करा हुआ है। तो असल बात ये कि जब आपका नफ्स, अगर मैं फिर मिसाल देता हूँ, अगर जाती तौर पर आप समझते हैं कि ये बुराई या कोई ऐसा मामला है कि ये मेरे लिए बुरा है तो हो सकता है आप उससे इज्तनाब करें, लेकिन माशरती तौर पर अगर खराबी पैदा हो रही तो आपका हक बनता है कि वो बॉस हो कुछ भी हो आप उसको इचला करें। बिल्कुल ठीक, और क्योंकि अभी और भी सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर से मुझे कॉल आई कि जी ब्रेक ले लें, तो यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। बारान रहमत, आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, और ये हमारा क्योंकि बस आखिरी सेगमेंट होता है और हमें रेमेडीज भी पूछनी होती हैं, उसके लिए हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर मुबशर आलम जो घरेलू टोटके बताते हैं और उसके ज़रिए जो है वो फिर इलाज बताते हैं। डॉक्टर मुबशर आलम साहब, हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा मसला है और आजकल तो बच्चों को भी होने लगा है विदाउट एनी रीज़न, वो कहते हैं जेनेटिक वो हो गया, तो इसके लिए क्या है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है और उसने मेडिसिन नहीं लेनी तो फौरी क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शरीफ भाई मेडिसिन तो लाजमी लेनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट एड में बता देता हूँ जो आपकी किचन रेमेडी है, हर घर में मौजूद होती है सब्ज इलायची, ओके उसके 11 दाने या कम से कम 7 दाने निकाल के मुंह में रखें
और बार बार उसको चूसना शुरू करें, सक करें, तो इंशाल्लाह ताला 5 से 7 मिनट के अंदर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। फिर अपने फिजिशियन को दिखाएं या तबीब को दिखाएं। यानी कि अगर किसी को फील हो रहा है कि मुझे इस वक्त बड़ा तेज वो हो रहा है, तो इलायची के जो दाने होते हैं उनको चूसने से जो है वो बहुत जल्दी और वजू में खासकर मसाह, तो उससे भी ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत जल्दी नीचे आता है। अच्छा, दूसरा एक आजकल आसाबी कमजोरी कह लें, दिमागी कमजोरी कह लें, ये बड़ा आने लगा है लोगों को कि प्रेशर दिमाग में फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुए वो होते हैं। इसके लिए कोई ऐसा, हम बचपन में सुनते थे 7 बादाम खा लो तो ठीक हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ और है? देखिये, मेंटली डिस्टर्ब के लिए बादाम नहीं है, बल्कि कुव्वत हाफजे को तेज करने के लिए और दिल की हालत को दुरुस्त करने के लिए बादाम मुफीद होते हैं। अब इसमें ये हम बता देते हैं आपको कि तिल ले 50 ग्राम, तिल 50 ग्राम ले लें जनाब, अखरोट, अखरोट की गिरी, और 100 ग्राम के करीब ले लें आप गुड़। इन तीनों को मिक्स कर लें, यानी कि दोनों चीज़ों को पाउडर करने के बाद उसमें गुड़ मिला लें, अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो, वरना ये दो चीज़ें ही काम आएंगी। और उसको जो है सफू बना 1/2 टेबल स्पून, अगर बच्चों को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, निसिया की शिकायत हो रही है, भूल की शिकायत हो रही है, तो उस उनके लिए भी मुफीद है, लेकिन उनका टीस्पून, हाफ टी स्पून 11 साल की उम्र के बच्चे जो हैं तक वो ले सकते हैं। और इस तरह की कई रेमेडीज़ हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बड़े लोगों का कुव्वत हाफ़ज़ा कमज़ोर हो रहा है तो पंसारी की दुकान में मिलती है एक हर्ब है, उसको बोलते हैं तज, और तज की शक्ल इस तरह होती है कि जैसे दारचीनी, दारचीनी है तो उससे बारीक होती है, तज को पाउडर करके आप कैप्सूल बना लें और उसका इस्तेमाल शुरू कर दें, तो हाफ़ज़ा अच्छा हो जाता है, मेमोरी बेहतर हो जाती है। ठीक है जी। और जो बच्चों का भी इन्होंने बताया कि अगर बच्चे भी ले लेंगे तो पेपर्स में जो एक बड़ी पेरेंट्स को शिकायत होती है ना, कहते हम भूल गए, वो नहीं होगा। अच्छा मिस्टर शाह, ये आप मुझे बताएं कि रमज़ान मुबारक का महीना आता है, हम देखते हैं कि जी मुनाफाखोरी शुरू हो जाती है, हम जाते हैं, मैंने अपने प्रोग्राम्स किए हैं, मैं जाता हूँ, उनको जी पकड़ते हैं तो बोलते हैं जी पीछे से देखें, पीछे का सिस्टम खराब है और ये तो हुकूमत ही जो है बिकी हुई है और आप हमें पकड़ने आ गए। तो क्या ये चीज़ हमें इस बात का लाइसेंस देती है कि अगर हुकूमत सही नहीं है या पीछे से जो लोग बैठे हैं वो सही नहीं है तो मैं भी वही गलत काम करूं, क्योंकि भाई कोई सही नहीं है? देखिए, शुरू में मैंने आपसे कहा था ना कि इसलाह की जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी अपनी जाती बनती है। हुक्मरान को तब हम गलत कहें जब हमारे अपने अमाल साले हों, गाफिल ही कौम के ऊपर जालिम हुक्मरान तैनात किए जाते हैं। तो हम पीछे से प्रेशर जब कहेंगे कि जब हम खुद सही होंगे, अगर हम सही हैं पीछे को कसूरवार ठहरा रहे हैं तो ये एक अलग बात हो जाएगी। पहले इसलाह हमने अपनी छोटे पैमाने से करनी है। हर शख्स जब अपनी अपनी इसलाह कर लेगा तो वो ख्वाह छोटा इदारा हो या बड़ा इदारा हो, दोस्ती की तमाम जगहों पर ही आ जाएगी। दो चीज़ कि एक इंसान खौफ खुदा जब ले आता है तो वो छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी तबके का हो, वो एक 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 करके इनफरादी होते होते इज्तमाइत में खराबियां दूर होती जाती हैं। जब एक इज्तमाइत को जब एक शख्स देख रहा होता है एक मार्केट में खराबी नहीं है तो दूसरी जगह से खराबी खुद ब खुद हटने लग जाती है। भलाई की बरकत, इस्लाह की बरकत ही यही कि अगर इस्लाह थोड़ी सी जगह भी होगी, हक अगर थोड़ा भी होगा तो बातिल के मुकाबले में मजबूत होगा। अच्छा, तो आप नहीं समझ रही कि हम शायद अब जो जिस दौर में हम लोग हैं जी, हम लोग चाह नहीं रहे कोई इस्लाह करे, हम चाह रहे हैं बस सब चलता रहे जैसे चल रहा है, गो विद द फ्लो, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? जी जी बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि हम अपनी इस्लाह खुद नहीं करते हैं, कोई करना भी नहीं चाह रहा, सिस्टम तब्दील करना चाहते हैं, सिस्टम तब्दील हो जाए इस्लाम अपनी सोशल मीडिया पे आगे जी 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 बस अपनी इस्लाह ना करें, ना माँ अपनी इस्लाह करे, बस चाहती मेरी औलाद बेहतरीन हो जाए। माँ की इस्लाह होगी तो औलाद बेहतरीन होगी। माँ का जो रद्द अमल है अपने शोहर के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ, जिस तरह का रद्द अमल वो बच्चे देखेंगे वही रद्द अमल, माँ अपने रद्द अमल को नहीं देखती, वो बच्चों के रद्द अमल को देखती कि मैंने एक बहुत बेहतरीन स्कूल में लगाया हुआ है, ये बेहतरीन क्यों नहीं बन रहा। वो यूँ नहीं बन रहा कि 18 घंटे आपका बच्चा आपके साथ रहता है, 5 घंटे वो स्कूल जाता है, तो वो 5 घंटे का अमल पकड़ेगा या 18 घंटे का अमल पकड़ेगा? अच्छा उसमें आप मुझे ये बताएं कि जहाँ स्कूल की बात आ रही है, आप क्या समझ रही हैं इस वक्त में जो स्टूडेंट्स हैं इनका असली मसला है क्या, क्या किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? क्या घर में टेंशन नहीं मिल रही है, सारी जिम्मेदारी टीचर्स की है कि बस जी हमने फीस दे दी है, हमारे बच्चे को सुपरमैन बना के बाहर निकालें, ये हो रहा है कुछ इस तरह का है? बच्चे पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब एक ग्रेड्स का जो एक क्रेजी एक जो दौड़ लगी हुई है उसकी वजह से बच्चे के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, फिर बच्चा डिस्ट्रैक्टेड बहुत है। जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि इतना डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं,
एक दो गिने चुने कार्टून आते थे, लिमिटेड हमारे गेम्स होते थे, अब बेतहाशा कार्टून है, हर तरह की एक्टिविटीज हैं, तो बच्चे का जो जहन है वो चारों तरफ दौड़ा होता है, तो जाहिर है कि प्रेशर आता है बच्चे के ऊपर. और घर पे क्योंकि माएँ भी मसरूफ़ हो गई हैं, फादर्स भी मसरूफ़ हैं, और अमूमन अब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम से हट चुके हैं, तो घर पे बड़े भी नहीं होते हैं अमूमन, और बड़े अगर होते भी हैं तो उनकी भी अपनी मसरूफियत है, तो बच्चे को वो टाइम और अटेंशन नहीं मिल रहा है जो हमें अपने ज़माने में मिलता था. अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि अब वो बच्चे का दिमाग बहुत सारी जगहों पर लग गया है कि जी यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, उसमें पेरेंट्स जो है वो अटेंशन नहीं दे रहे, तो आपके नज़दीक क्या सोल्यूशन क्या हैं, क्योंकि आप काउंसलर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सोल्यूशन क्या देती हैं आपके, जी ये सोल्यूशन होना चाहिए, इस तरह हम जो हमारा नौजवान है, हमारा एक बच्चा है, उसकी इसलाह हो सकती है. ये सोल्यूशन देखिए शहरी हर घर से शुरू होगा, ये मेरे कहने से आपके बात करने से कुछ नहीं होगा जब तक के माँ बाप घर वाले अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते. हर घर में जो सिस्टम, जो एक रिवायती सिस्टम होता था, हमें उसको रेनोवेट करना पड़ेगा, उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग बढ़ानी पड़ेगी, और बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ज्यादा लाना पड़ेगा. बिल्कुल जी, फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ लाए, ना कि वो मोबाइल में लगे जाए. पहले हमें याद था, हमें कान पकड़ के घर के अंदर लाया जाता था, बच्चों को कान पकड़ के घर से बाहर निकाला जाता है कि भाई कुछ खेल ले यार, मोबाइल छोड़ दो. मुफ्ती साहब, आपसे यहाँ ये सवाल बनता है कि हमारे जो उलमाए दीन है, जो हमारे बड़े हैं, जिन जो हमारे उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, वो किस तरह इसलाह कर सकते हैं कि उनके इतने इतने फॉलोवर्स होते हैं, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं? सबसे पहले अपने किरदार को बा किरदार बनाएं. अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी. ये बंदा अपनी फितरत में ना नूरी है ना नूरी. बिल्कुल, बात इतनी सी है कि अगर आपका किरदार है ना, अगर आप आलिम है तो आपका किरदार बामन होना चाहिए कि जब आप गुफ्तगू करें तो खुद असर रखेगी. अगर आप किसी खानकाह या आस्थाने के पीर फकीर हैं, यानी पीर मुर्शिद शेख नबी का नायब होता है, बेदीन नहीं होता. बात ये करे, बात करे यहाँ की, रहता यहाँ है और क्या है, नमाज मदीने में पढ़ता हूँ, मुर्गियाँ यहाँ तोड़े, रहता मदीने की बातें करने, तो ऐसे पीर की बात भी असर नहीं करेगी. तो अमल इतना हो कि बंदा जब अमल करता है ना, फिर उसकी बात का असर होता है. ये बात आप समझ लीजिए कि आलिम हो या पीर हो या कोई किरदार, बा किरदार नहीं होगा, बात असर नहीं कर सकती. तो इसलिए हम जितने भी अफराद हैं जो के लोगों में इल्म बांटते हैं, तो उस इल्म पर पहले खुद अमल करें, फिर दूसरों को तलकीन करें. इसमें 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 यही एक बात कंटिन्यू करूंगा, जैसा कि आपने कहा कि जो हमारे अपने इतने सारे उलमा दीन हैं और उनके फॉलोवर्स भी हैं, लेकिन उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जाना शुरू कर देता है कि अगर किसी के फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, कोई अच्छा कर रहा है, तो नहीं 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 उसकी ये फलानी वीडियो डाल दो, उसकी ढिमकानी वीडियो डाल दो. बींग अ पर्सन, बींग अ पब्लिक, क्या हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, यार हम तो इनको अच्छा समझते, अब हमें नहीं पता कि उन बेचारों ने इस सेंस में किया नहीं किया, लेकिन उनके पीछे भी लग गए कि नहीं जी मंतशा मंतशा. और फिर अल्लाह के, अल्लाह जिसको इज्जत दे, बेशक हदीस है मिशकात शरीफ के, उसने फरमाया पूरी कायनात चाहे एक बंदे का बुरा करना, मेरा हंसता हूँ ये मैं नहीं चाहता, फिर ये क्या कर लेंगे. और पूरी कायनात चाहे एक बंदे का अच्छा करना, मैं नहीं चाहता, ये क्या कर लेंगे. तो आपका रब आपके साथ है, दुनिया खुद साथ हो जानी है. फिर जो बहन ने बात की ना, माँ बाप, माँ बाप, आज मैं इसको थोड़ा मुख्तर आपके सामने रख दूँ. बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके नाम के टैग के आगे शकर लगता था. वजह क्या थी? वजह ये थी कि माँ ऐसी थी कि माँ आंख पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें चीनी देगा, शकर देगा. तो अच्छा ठीक है, तो जब बेटा नमाज पढ़ता तो माँ जहां नमाज के नीचे पहले ही शकर रख देती. एक मरतबा माँ चली गई, नमाज का वक्त हो गया, फरमाया रब बंदा तेरा है, चीनी भी तेरी है, देना तेरा काम है. जब वापस आई तो माँ अफसरदा थी कि आज तो मैंने रखा नहीं, मेरा राज खुल गया, मेरा राज खुल गया. तो जब अंदर जाती तो बच्चा बड़ा खुश था, माँ बड़ी गमगीन थी. तो बच्चे ने कहा अम्मी पूछेंगे नहीं आज चीनी कैसी थी? फरमाया बेटा चीनी थी, बोला अम्मी चीनी भी थी और बहुत मीठी थी. बात ऐसी है कि वो माँ चीनी दे सकती है, तो क्या आज की माँ चॉकलेट नहीं दे सकती? आज की माँ नमाज के लिए बिस्किट नहीं दे सकती? बात वही आ गई, किरदार इब्तदा या आप तरबियत के, वो घर से बनता है. अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे एक बात बताएं, जहाँ नमाज की बात आती है, बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने खुद नहीं पढ़ी, लेकिन उनके दिल में यार मेरा बच्चा पढ़ ले, वो कोशिश भी कर रहे हैं, उनको तौफीक नहीं मिल पा रही, लेकिन उनकी ये कोशिश है कि यार मेरा बच्चा पढ़े, तो क्या अगर वो नहीं पढ़ रहे तो बच्चा भी नहीं पढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है. हदीस में यहाँ तक भी देखें, बहुत से गुनाहगार माँ बाप होते हैं. अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक 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 का वालिद का इंतकाल हो गया एक बनी इसराइल की कौम में से, और वो शख्स जब इंतकाल कर गया, अल्लाह का नाम लेने वाला उसके औलाद में से एक बच्चे ने जब अल्लाह का एक इस्म लिया, तो अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह को हया आई कि ये बंदा मेरा नाम लेता और इसके बाप को मैं जहन्नुम में दाखिल कर दूँ.
تو اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو بات نہیں سی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ بندہ گناہگار ہو تو بچے بھی گناہگار بن جائیں, بلکہ تم اپنے ماں باپ اگر تم گناہگار ہو اپنی اولاد کو نیکی پہ لگاؤ, کیونکہ تمہارے اولاد کی نیکی تمہارے کام آئے. نہیں وہی دیکھیں میرا پوائنٹ سمجھے تھوڑا سا, میرے کہنے کا مقصد یہ, آپ نے کہا اصلاح پہلے خود کریں, یعنی کہ پہلے میں نماز پڑھوں پھر میرا بچہ پڑھے گا. میں کوشش کر رہا ہوں میں نہیں پڑھ پا رہا لیکن میں اس پہ سختی کر رہا ہوں کہ تم پڑھو, تو کیا میرا بچہ پلٹ کے یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ بھائی پہلے خود تو پڑھ لو؟ اچھا دیکھیں بات آپ کی بات ہے کہ بچہ کہہ سکتا ہے, لیکن یقین مانے نیکی کی تلقین کرنے سے یا نیکی کی دعوت دینے سے یہ قوت آتی ہے کہ بندہ خود اپنی نگاہ میں شرمندہ ایک نہ ایک دن تو ہوگا کہ چلو میں کہہ رہا ہوں تو اللہ مجھے بھی توفیق دیتے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نیکی کی دعوت چھوڑ دیں, بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر آپ ایک نیکی کا کام نہیں کرتے تو آپ اس کی دعوت دیتے رہیں. ہو سکتا ہے اللہ, دیکھیں دلوں کو پھیرنا اللہ کا کام ہے, بندے کا کام نہیں ہے. بندے کا کام یہ ہے کہ اگر مثال طور پہ ایک بچہ, باپ جھوٹ بولتا ہے بچہ بھی اب جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے, اب یقین مانے باپ کہلواتا ہے کہ گھر پہ بیٹھا ہوا کوئی آ جائے گھر پہ بول دوں, لیکن یہی جھوٹ اگر باپ سے بچہ کہے تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ میرے بچے نے دکھ کر. اچھا مجھے کیونکہ وقت کم ہے میں ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر کوئی گناہگار آدمی ہے ٹھیک ہے وہ شراب پیتا ہے اور گناہ کرتا ہے, لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ یار اگر میں غلط کر رہا ہوں میں اس کا عادی ہو چکا ہوں, اللہ میاں نکال لے تو نکال لے مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, لیکن اگر وہ دوسرے کو تلقین کر رہا ہے وہ مجھے تلقین کر رہا ہے کہ بھائی آپ نہ پیئے, تو اگر میں پلٹ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو سدھارو تو کیا مجھے اس کا گناہ مل رہا ہے کہ میں صرف یہ سوچ کے تو خود گناہ کر رہا ہے, یہ مجھے کیا بتائے گا؟ دیکھیں بات یہ نہیں, پھر میں بات کہوں گا اللہ چاہے تنکے سے کام لے لے, بات یہ نہیں کہنے والا کون ہے, یہ دیکھو کہنے والا کیا کہہ رہا ہے, یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. بات اس بات کو سمجھ لیجیے کہ اگر کہنے والا گناہگار ہے, شرابی ہے, نعوذ باللہ زانی کچھ بھی ہے, لیکن بات تو حق ہی کر رہا ہے نا. اب آپ دیکھیں اس کی زبان, اس کی ایک کہلوانا رب کا ہے, بالکل رب جب جس سے کہلوا لے تو بندے کی زبان کا فائدہ نہیں. تو بھائی اتنی سی اگر کوئی وہ گناہگار بھی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اصلاح چاہتا ہے, اللہ تمہارے لیے بہتری چاہتا ہے, اس لیے اس گناہگار سے بھی کہلوا رہا ہے کہ تم نیکی پر عمل کرو. بالکل جی, اور وہی بات ہے جیسے کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہم نشست سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں, تو آج کی جو نشست تھی اس نے ہم نے یہ سیکھا کہ اصلاح کی جہاں بات آتی ہے بالکل ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے, جو کام ہم خود نہیں کرتے وہ ہمیں دوسروں, پہلے ہمیں خود بند کرنے چاہیے پھر ہم دوسروں کے, لیکن یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ ہمیں روک رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ صرف زبان اس کی ہے, الفاظ میرے رب کے ہیں, میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے. اور آج کے دور میں اگر آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ آپ کی اصلاح ہو جائے تو آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں, بے شک. تو اگر کوئی آپ کو کل کو یہ بات بولے کہ جی یہ کام نہ کرے اور آپ کو پتا ہو کہ یہ کام غلط ہے, تو خدا را اصلاح کیجئے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. کل انشاءاللہ تعالی دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اپنے میزبان سید شہریار آسم کو اجازت دیجئے, اللہ نے کے بعد